इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशंस, या फिर कह सकते हैं ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस। बट अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू रियल होती है एंड हर्मिशियन प्रॉपर्टीज़, तो पहले लास्ट लेक्चर देखिए। आइए समझते हैं ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन या ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। लेट अस कंसीडर वेव फंक्शन साई एंड फाई एंड देयर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार फाई स्टार। ये दो डिफरेंट वेव फंक्शन हैं और ये क्या है, दोनों इनके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हैं। तो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। साई स्टार फाई डी वी इज इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन कहलाती है ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। ये दो डिफरेंट वेव फंक्शन होते हैं। अगर ये दोनों डिफरेंट वेव फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये दोनों फंक्शन कहलाते हैं ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। आइए देखते हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ। अब आप यहां पर देखेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं हर्मिशियन प्रॉपर्टी और यहां पर होता है हर्मिशियन ऑपरेटर एच। ये हर्मिशियन ऑपरेटर है और यहां पर ये कोई वेव फंक्शन है। जैसे ही इसको ऑपरेट करता है तो यहां पर आती है आइगन वैल्यू और यहां पर आता है आइगन फंक्शन। अगर आपको ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है तो यहाँ पर जो ये आइगन वैल्यू है ये नॉन डिजनरेट होनी चाहिए, ई एन नॉन डिजनरेट। अब नॉन डिजनरेट क्या होती है, इसको हम लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर ये नॉन डिजनरेट नहीं होगी तो हम इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये नॉन डिजनरेट है तभी हम इसको प्रूफ कर पाते हैं दो डिफरेंट वेव फंक्शन के लिए। इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ इक्वेशन वन। वैसे देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये हैमिल्टोनियन या हर्मिशियन ऑपरेटर और यहाँ पर ये कोई वेव फंक्शन है साई एम। जैसे ही इसको ऑपरेट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगी आइगन वैल्यू ई एम और यहाँ पर आ जाएगा आइगन फंक्शन। अब आप यहाँ पर देखेंगे साई एन साई एम दो डिफरेंट वेव फंक्शन है, ऑपरेटर वही है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों आइगन वैल्यू अलग अलग हैं। और ऐसा कब हो सकता है, जब आइगन वैल्यू नॉन डिजनरेट हो। अगर आइगन वैल्यू डिजनरेट होगी तो दोनों वेव फंक्शन के अलग होने पर भी आइगन वैल्यू सेम हो सकती है, जबकि यहाँ पर आइगन वैल्यू को डिफरेंट रखना है इसको प्रूफ करने के लिए, इसकी कंडीशन है। दैट मीन्स हम जानते हैं ई एन इज इक्वल्स टू ई एम नहीं होगी नॉन डिजनरेट अगर ये है तो। अगर आइगन वैल्यू नॉन डिजनरेट है तो दोनों डिफरेंट होंगी और डिफरेंट ही होनी चाहिए इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए। इसका मतलब ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन के लिए आइगन वैल्यू नॉन डिजनरेट होती हैं या फिर कह सकते हैं डिफरेंट हो सकती हैं। आइए देखते हैं प्रूफ। इसको कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेट कर रहा हूँ कंप्लीट वॉल्यूम के लिए और साथ साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साई से, तो यहाँ पर आ जाएगा ये साई एम स्टार। इस इक्वेशन को बोथ साइड मैंने साई एम स्टार से मल्टीप्लाई किया है और इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये एच साई एन डी वी। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? अब आप देखेंगे जैसे इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर आ जाएगा ये इंटीग्रेशन साई एम स्टार ई एन साई एन डी वी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू कोफिशियंट होती है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ये ई एन और यहाँ पर आ जाएगा ये साई एम स्टार साई एन डी वी। इसको कर लेंगे इक्वेशन थर्ड कंसिडर। अब हम इक्वेशन फोर्थ को बोथ साइड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर रहे हैं इक्वेशन फोर्थ को, तो इस तरीके से आ जाएगी ये, यहाँ पर आ जाएगा ये एच साई एम का होल स्टार इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा ये ई एम साई एम का होल स्टार। ऐसा हमने कर दिया। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं बोथ साइड साई से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर कितना है साई एम, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं साई एन डी वी इंटीग्रेशन, कुछ नहीं किया है इससे मल्टीप्लाई किया और बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा ये इंटीग्रेशन और यहाँ पर आ जाएगा ये साई एन डी वी। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये क्या है, ये आइगन वैल्यू है और आइगन वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट, इसलिए इसको बाहर ला सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ और यहाँ पर लिमिट वही है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर भी
माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा ये एच साई एम का होल स्टार साई एन डी वी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा ई एम। और हम जानते हैं आइगन वैल्यू क्या होती है, रियल होती है, इसको हम लास्ट लेक्चर में प्रूफ कर चुके हैं। यानी कि अगर बात करते हैं ये हो जाएगा ये ई एम इज इक्वल्स टू ई एम स्टार, अगर ये हर्मिशियन ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर ही है तभी तो ये प्रूफ होगा, तो आइगन वैल्यू क्या होगी, रियल होगी, इसका मतलब स्टार एम के इक्वल होगी। तो जहाँ पर ये स्टार है, ये होल स्टार, वहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा ये ई एम, और यहाँ पर आ जाएगा ये साई एम स्टार साई एन डी वी, कोफिशियंट तो बाहर निकाल दिया, होल स्टार मतलब दोनों का स्टार। अब आप यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ इक्वेशन फोर। अब हम जानते हैं हर्मिशियन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हर्मिशियन प्रॉपर्टी होती है ए साई का होल स्टार, और यहाँ पर होता है ये साई डी वी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आ जाएगा ये साई स्टार ए साई डी वी। तो अगर आप बहुत गौर से देखेंगे ये वाला और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल मैच कर रही है, यहाँ पर कितना है एच साई एम का होल स्टार, देखेंगे यहाँ पर भी साई एम है और यहाँ पर भी साई एम है, यहाँ पर कितना है साई एन और यहाँ पर कितना है साई एन, तो जहाँ पर ए था वहाँ पर एच है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम है। अब इसमें दोनों फंक्शन सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखेंगे यहाँ पर अगर ये इसको मैं एम मान लूँ, इसको एन मान लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा एम ये एन, तो ये हो जाएगा एम और ये एन, बिल्कुल मैच कर रहा है, ये वाली टर्म इससे मैच कर रही है और ये वाली टर्म इससे मैच कर रही है। तो आप देखेंगे इसका मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होंगी इक्वल, इसलिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से ये कहाँ से आई है, तो ये होती है हर्मिशियन प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये इससे मैच कर रही है और ये इससे मैच कर रही है, और ये दोनों क्या हैं बराबर हैं, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होंगी इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं थ्री और फोर को कंपेयर करने पर, कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ई एम साई एम स्टार साई एन डी वी इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा ये ई एन कितना है ये साई एम स्टार साई एन डी वी, इस वाली टर्म को इधर लेकर जा रहे हैं तो ये टर्म कॉमन आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा ये ई एम माइनस ई एन इन टू साई एम स्टार साई एन डी वी इक्वल्स टू जीरो, इस टर्म्स को इस साइड लेकर आ गए। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये दोनों तो इक्वल होती नहीं है, क्यों नहीं होती हैं, बिकॉज ये नॉन डिजनरेट हैं, और जब ये नॉन डिजनरेट होंगी तो ये दोनों अलग अलग होंगी, और जब ये दोनों अलग हैं और दोनों का क्या है ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो नहीं सकती हैं, बिकॉज ये दोनों बराबर हैं ही नहीं, तो ये क्या होगा ज़ीरो होगा। दैट मीन्स ये जानते हैं हम ई एम डज नॉट इक्वल्स टू ई एन, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा ये साई एम स्टार साई एन डी वी इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये दोनों नॉन डिजनरेट हैं तो ये ज़ीरो आएगा, और यही क्या होता है ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन होती है। और ये दोनों वेव फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट वेव फंक्शन क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोनॉर्मलिटी क्या होती है, इसी से बनेगा, बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। तो अगर आपको ऑर्थोगोनलिटी समझ में आ गई, हाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पर देखेंगे ये साई ई स्टार बन रहा था, यहाँ पर मैंने इसको ई लिख दिया, ये क्यों है, तो इसको भी हम लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये हर्मिशियन प्रॉपर्टी है, हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू रियल होती है, तो यहाँ पर क्या था स्टार था, तो जहाँ पर स्टार था वहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया। तो दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्थोगोनल और नॉर्मल वेव फंक्शन के बीच में रिलेशन बताती है। अगर आपको लेक्चर पसंद है तो लाइक और शेयर करेंगे, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं है तो डिसलाइक तो करते ही जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।